Hey guys, what's up? Welcome to Tech and Tools Fair. So, अगर हम सबसे पहले बात करें iPhone 13 mini के बारे में, तो ये iPhone 12 mini से तो बहुत ही बढ़िया अपग्रेड है। सबसे पहले अगर हम लुक्स की बात करें तो लुक्स तो एकदम वैसा एग्जैक्टली सेम है, बस थोड़ा कैमरे में थोड़ा डिफरेंस है। उसका कैमरा एक के नीचे एक था और इसका कैमरा डायगोनल लगा दिया गया, और थोड़ा सा कैमरा के सेंसर्स थोड़े से बड़े हुए, जो थोड़ा देखने में अनॉइंग लगता है कभी कभी, जिनको ऐसे अच्छा लग सकता है, मेरे को अनॉइंग लगता है ये देखने में। और अगर हम इसमें बात करें, कुछ कुछ जो नई चीज़ें ऐड हुई, जैसे इसके अंदर नॉच छोटी हो गई है, सेंसर शिफ्ट की टेक्नोलॉजी आ गई है, और इसके अंदर 60 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश डिस्प्ले अभी भी आती है, जो कि एक डिसअपॉइंटेड बात है, क्योंकि हमें इतने पैसे 70,000 रुपये लगाने के बाद हमें कम से कम 90 हर्ट्ज़ रिफ्रेश की डिस्प्ले तो मिलनी चाहिए। और iPhone 13 mini के अंदर हमें सेंसर शिफ्ट टेक्नोलॉजी, सिनेमैटिक वीडियो, जो कि 13 Pro और 13 Pro Max में मिलती है, तो हमें 13 mini में भी मिलती है, जो कि मतलब बहुत ही बढ़िया चीज़ है, बहुत अच्छा फीचर है सिनेमैटिक वीडियो। इसे मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा कि ये है क्या दरअसल। और इसमें आपको बैटरी बैकअप भी बढ़ा दिया गया है पिछले साल के iPhone 12 mini से कंपेयर करा जाए तो। और इस फोन का वेट जो है वो है सिर्फ 140 ग्राम, यानी इतना हल्का ये सुपर रेटेड फोन बन सकता है। पर ये बहुत ही सब्जेक्टिव फोन है, खाली कुछ ही स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए फोन है। जैसे जिन जिनके हाथ बड़े हैं वो लोग इस फोन को यूज नहीं कर पाएंगे, उन्हें बहुत प्रॉब्लम आएगी यूज करने। अगर पहले हम लोग iPhone 13 mini की डिस्प्ले कह रहे हैं बात करें, तो इसमें आपको सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले मिलती है, जिसमें आपको HDR10 का भी सपोर्ट मिलता है और Dolby Vision का भी सपोर्ट है। 800 nits की इसकी टिपिकल ब्राइटनेस और 1200 nits की इसकी पीक ब्राइटनेस। अगर हम स्क्रीन रेशियो कह रहे हैं बात करें, तो इसमें आपको 5.7 inch की डिस्प्ले मिलती है और स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है 81.5%। इसमें जो ऊपर की तरफ नॉच है वो पिछले टाइम से 20% स्मॉलर है, जो कि अच्छी बात है, पर इस नॉच को अब हट जाना चाहिए। 2021 में नॉच का ट्रेंड नहीं है, सब अब फोन्स अंडर डिस्प्ले कैमरा के साथ आते हैं, लेकिन आज भी एप्पल नॉच पे लगा हुआ है। अब अगर हम इसके प्लेटफॉर्म के बारे में बात करते हैं, इसमें आपको एप्पल का iOS 15 देखने को मिलता है और एप्पल की A15 बायोनिक चिप। लेकिन यहाँ पे एक बात है, जैसे आपको 13 प्रो और प्रो मैक्स यानी प्रो सीरीज में 5 कोर का GPU मिलता है, और यहाँ पे आपको 4 कोर का GPU मिलता है, जो कि परफॉर्मेंस को 60% तक डाउन कर देता है। तो ये एक खराब बात मुझे लगी, जबकि हम 70,000 रुपये इसमें भी दे रहे हैं, तो हमें 5 कोर का ही GPU मिलना चाहिए था। ये तो इसकी प्लेटफॉर्म क्या रहे हैं बात। अगर इसमें हम वेरिएंट क्या रहे हैं बात करते हैं, इसमें आपको 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, 8128 4GB, 256 4GB और 512 4GB। आप इसमें स्टोरेज को एक्सपेंड नहीं कर सकते, सिंगल सिम आप यूज कर सकते हैं। ये होगा इसके वेरिएंट क्या रहे हैं। अब अगर हम लोग कैमरे क्या रहे हैं बात करते हैं, इसमें आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, 12 MP का वाइड और 12 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा। जो 12 MP का वाइड कैमरा वो है 26 mm और जो अल्ट्रा वाइड वो है 13 mm। और कैमरे की क्वालिटी के बारे में तो कुछ कहने नहीं, वैसे भी एप्पल के कैमरा हमेशा से टॉप नॉच एकदम नेक्स्ट लेवल की फोटो और वीडियो निकालते हैं। और इस बार तो ये जो नया फीचर आया सिनेमैटिक वीडियो, ये तो जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जैसे आप किसी चीज़ को सिनेमैटिकली रिकॉर्ड करना चाहते, जैसे रेड मैजिक कैमरा यानी मूवी कैमरा जैसे रिकॉर्ड करता है कि आपके ऊपर अगर फोकस है तो पीछे का सब ब्लर रहेगा, तो वैसा ही एक फीचर है जो कि फोन्स में आ चुका है। ये फीचर्स फोन्स में डालना से बहुत मुश्किल है, ये सब फीचर DSLR वगैरह के लिए होते हैं, तो इस बात के लिए। अब अगर हम फ्रंट कैमरे के बारे में बात करें, तो इसमें आपको फ्रंट में 12 MP का एक सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि आप 4K 60fps, 4K 30fps और 1080p 60fps पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। बैक कैमरा में भी सेम है कि आप 4K 60fps तक रिकॉर्ड कर सकते हैं। और पीछे की तरफ आपको एक सिंगल फ्लैश देखने को मिलती है, जो मैं आपको बताना भूल गया था। अगर हम इसमें पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में बात करें, तो नीचे की तरफ आपको एक लाइटनिंग USB टाइप पोर्ट देखने को मिलता है, जिससे कि आप अपने iPhones को चार्ज कर सकते हैं और डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं। और नीचे की तरफ आपको स्पीकर ग्रे मिलता है, इसके एंटीना लगे हुए फ्रेम में, इसके ऊपर वैसे भी एल्यूमिनियम का फ्रेम देखने को मिलता है। अब अगर हम फ्रेम के बारे में बात करते हैं, हम इसके बैक और फ्रंट के बारे में बात करते हैं, तो इसमें आपको पीछे की तरफ सेरेमिक की प्रोटेक्शन देखने को मिलती है, जो कि मतलब अच्छी खासी प्रोटेक्शन है, गोरिल्ला ग्लास विक्टस की तरह ही है, बस इसका नाम है सेरेमिक प्रोटेक्शन। आगे की तरफ भी आपको सेरेमिक प्रोटेक्शन देखने को मिलती है, पीछे आपको ग्लास बैक देखने को मिलता है, फ्रेम आपको एल्यूमिनियम का देखने को मिलता है, जो कि देखने में बहुत प्रीमियम लगता है। अगर स्पीकर के बारे में बात करें, तो इसमें आपको स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिलते हैं और USB 3.5 mm जैक देखने को नहीं मिलता है हर बार। अब अगर हम लोग इसकी बैटरी के बारे में बात करें, तो एप्पल हमेशा की तरह ये बताता नहीं है कि इसने कितने mAh की बैटरी दी है। अगर मेरे को बैटरी पता चलेगा कि कितने mAh की, तो मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर दूंगा, आप उसे देख लीजिएगा। इसमें मतलब कहा जाता है, एप्पल ने कहा था इवेंट में कि इसकी बैटरी पिछले साल से थोड़ी सी अपग्रेडेड है, कुछ mAh थोड़ी बढ़ गई है, थोड़ा स्क्रीन ऑन टाइम थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। इसमें आपको 17 hours का स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिलता है। इसमें आपको 20 W की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिलती है। एप्पल कहता है कि 30 मिनट्स के अंदर 50% चार्ज हो जाता है। अब ये सही है कि नहीं, ये मैं क्लियर नहीं कर सकता हूं, तो मेरे को जो पता है मैंने आपको बस बता दिया। और अगर इसमें आपको बताऊं, आपको मैगसेफ का सपोर्ट देखने को मिलता है, और भी बहुत कुछ देखने को मिलता है। एट द लास्ट मेरा कंक्लूजन क्या है iPhone 13 mini के लिए,
अगर पिछले साल से आईफोन 12 मिनी से अगर इसको कंपेयर किया जाता है, मतलब ये उससे तो बहुत ही अच्छा अपग्रेड है, पर कुछ कुछ जो बातें हैं वो बहुत ही डिसअपॉइंटेड है। जैसे इसमें भी 60 हर्ट्ज़ की डिस्प्ले अभी तक देखने को मिलती है, प्रोसेसर मतलब सेम नहीं है, इस बार थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया गया है, कोर गिरा दिए गए जीपीयू में, जिससे परफॉर्मेंस में भी अप एंड डाउन आएगा। और इसमें कि इतनी छोटी डिस्प्ले तो किसी किसी को बहुत दिक्कत होगी, पर कुछ कुछ स्पेसिफिक ऑडियंस जिनके हाथ छोटे हैं उन्हें ये फोन कुछ ज़्यादा ही पसंद आएगा। तो मतलब इसे मैं कहूँ ऐसे एप्पल का प्रोडक्ट है तो लेना वैसे वर्थ इट ही है, क्योंकि सिक्योरिटी की बात है और अपडेट की बात है, ये सब तो आपको टाइम टू टाइम देखने को मिलेंगे 7 ईयर्स के लिए कम से कम। तो अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो आप इसे बाय कर सकते हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, वहां जाके आप बाय कर लीजिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर